हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है और एक्सटेंशन बोर्ड में जो कि 5 पिन की जो सॉकेट लगी है और 5 पिन की सॉकेट में जो अर्थिंग पॉइंट जो होती है, अर्थिंग पॉइंट में जैसे मैं ये जो टेस्टर लगाता हूँ तो ये हमारा जो टेस्टर किस तरह ग्लो कर रहा है, जो कि इसमें टेस्टर ग्लो नहीं करना चाहिए लेकिन इसमें टेस्टर ग्लो कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट में टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा है। और अभी देखिए ये जो फेज पॉइंट है, फेज पॉइंट में और जो टेस्टर ग्लो कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा अर्थिंग पॉइंट में टेस्टर थोड़ा ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा जो फेज पॉइंट है, फेज पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा टेस्टर ग्लो कर रहा है और अर्थिंग पॉइंट में थोड़ा टेस्टर कम ग्लो कर रहा है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये जो हमारा जो अर्थिंग पॉइंट में टेस्टर क्यों ग्लो करता है और इसका कारण क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके, यानी कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मल्टीमीटर है। चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर से, यानी कि हमारा जो सॉकेट में कितना वोल्टेज आ रहा है, मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। यानी कि इसमें जो अर्थिंग टू न्यूट्रल इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, और अर्थिंग टू फेज इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, और फेज टू न्यूट्रल इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। चलिए सबसे पहले ये जो मल्टीमीटर है मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा अर्थिंग टू जो न्यूट्रल, अभी इसमें 102 पॉइंट समथिंग इसमें वोल्टेज आ रहा है। और अभी देखिए, और अभी ये जो अर्थिंग टू फेज इसमें 116 पॉइंट समथिंग इसमें वोल्टेज आ रहा है। और ये जो हमारा है न्यूट्रल टू फेज, यानी कि इसमें 228 पॉइंट समथिंग इसमें वोल्टेज आ रहा है। चलिए अभी मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्यों आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा अर्थिंग पॉइंट जो कि ये बोर्ड में कनेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें क्यों इसमें जो कि लीकेज करंट आ रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अभी चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यानी कि ये पॉइंट में जो टेस्टर लगाने पर ये जो हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा था, देखिए ये जो टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। और अभी चलिए मैं अभी ये जो बोर्ड में जो तार लगी है, ये तार को मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये तार जो है, तार मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। और देखिए ये जो है तार की बंडल है, और बंडल में देखिए यहाँ पर जो है, यानी कि अर्थिंग की जो तार है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर खुला पड़ा है, फिर भी यहाँ पर मैं टेस्टर लगा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए टेस्टर लगाने पर भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसमें, यानी कि वोल्टेज इसमें हमारा जो टेस्टर ग्लो कर रहा है। देखिए अभी दोबारा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा टेस्टर थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो तार है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंसुलेशन टेप जो है तार के ऊपर जो लगाया गया है, और देखिए ये इंसुलेशन टेप के ऊपर जो हमारा जो है ये छिला हुआ तार आपको दिख रहा है। देखिए मैं आपको सही से दिखा देता हूँ, ये जो हमारा छिला हुआ तार आपको दिख रहा है। और इसी तरह छिला हुआ तार हमारा जो ये तार के बंडल में बहुत जगह इस तरह हो सकता है। अगर इस तरह होता है तो, अगर ये छिला हुआ तार में फेज सप्लाई दिया जाता है तो हमारा क्या होता है, अगर इसी तरह छिला हुआ तार अगर हमारा जो अर्थिंग पॉइंट में होता है तो ये तार, देखिए तीनों तार इसमें ट्विस्टिंग किया गया है। ओके, और ये ट्विस्टिंग करने के कारण से ये जो हमारा छिला हुआ तार, यानी कि ये जो अर्थिंग तार इस तरह ट्विस्टिंग होने के कारण से हमारा अर्थिंग तार में भी, यानी कि हमारा जो फेज सप्लाई आ जाती है, और भी इंसुलेशन कम होने के कारण से भी हमारा जो फेज की सप्लाई जो अर्थिंग तार में आ जाती है। और कभी कभी आपको जो है न्यूट्रल में भी आपको इस तरह देखने को मिलता है। और न्यूट्रल में, यानी कि दो सॉकेट, यानी कि सॉकेट में दो साइड में, यानी कि फेज सप्लाई क्यों आता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो मैंने तार लगा रखा हूँ, एक फेज और न्यूट्रल, फिर भी इसमें जो है, यानी कि हमारा जो अर्थिंग तार में, यानी कि ये जो हमारा अर्थिंग तार, यानी कि जो सॉकेट में जो अर्थिंग पॉइंट जो होती है, अर्थिंग पॉइंट में क्यों हमारा जो टेस्टर ग्लो करता है। चलिए अभी ये मैं क्या करूँगा, ये जो तार को अभी मैं काट दूंगा, यानी कि ये जो तार आप देख रहे हो तार के बंडल, मैं ये जो तार के बंडल से थोड़ा सा तार काट दूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारा जो 5 पिन सॉकेट में जो अर्थिंग पिन है, अर्थिंग पिन में जो कि हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा था, ये तार काट के मैं आपको छोटा सा तार काट दूंगा, काट के मैं अभी सप्लाई देके दिखाऊंगा, यानी कि वो जो टेस्टर जो ग्लो कर रहा था वो बंद होगा कि नहीं होगा, अभी मैं आपको आपके सामने ये सब करके दिखाऊंगा। चलिए इसमें जो थोड़ा सा तार जो है मैं इसे काट देता हूँ, यानी कि ये जो बंडल वाला तार इसमें थोड़ा सा काट देता हूँ। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारा टेस्टिंग रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ, और कुछ वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दी गई है, आप लोग उस लिंक के ऊपर वो सब वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। चलिए अभी ये जो तार है, जो है तार को इसमें यहाँ से काट देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तार जो है मैंने काट दिया हूँ, काट के देखिए ये जो तार जो है, यानी कि ये जो हमारा जो अर्थिंग इसमें लगाया गया है, जो कि हमारा जो अर्थिंग की तार है। ओके, और ये अर्थिंग की तार जो है मैं यहाँ पर, यानी कि इसमें काट के बांध देता हूँ। और अभी जो अर्थिंग जो तार है मैं सॉकेट में नहीं लगाऊंगा, सिर्फ जैसे ही मैंने लगाया था फेज और न्यूट्रल, ये दो सप्लाई में फेज और न्यूट्रल में लगाऊंगा।
और अभी ये जो तार को जो है यहाँ पर बांध देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हमारे जो अर्थिंग पिन में जो टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इसमें बंद हुआ कि नहीं हुआ और तब ये क्यों होता है, और उसके बाद मैं आपको ड्राइंग करके समझाऊंगा और भी बहुत सारा कारण होता है, क्या क्या कारण होता है ये जो हमारा जो अर्थिंग पिन में जो टेस्टर ग्लो करने का क्या क्या कारण होता है मैं आपको बताऊंगा और ये कारण किस तरह आप सॉल्व कर सकते हो और मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अभी देखिए इसमें मैंने सप्लाई दे दिया हूँ और अभी देखिए टेस्टर इसमें लगाता हूँ, टेस्टर लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये लाइट जो है बंद कर दिया हूँ और फ्रेंड्स ये पॉइंट में मैं टेस्टर लगाता हूँ। देखिए ये पॉइंट में टेस्टर हमारा ग्लो नहीं कर रहा था कि ये जो हमारा जो पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और अभी देखिए ये पॉइंट में टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये जो हमारा फेस पॉइंट है, और अभी देखिए ये यानी कि ये अर्थिंग पॉइंट में भी हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा था, अभी ये जो टेस्टर हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा जो तार था तार की इंसुलेशन ख़राब था इसलिए इसमें जो यानी कि टेस्टर जो ग्लो कर रहा है। चलिए अभी मैं आपको ड्राइंग करके पूरा बताता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है ओके, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया था इसका जो प्रॉब्लम हुआ था ओके, अभी मैं आपको दोबारा इसका जो कनेक्शन और दोबारा इसका जो प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ओके। और ये हमारा जो सॉकेट है और ये इसका जो स्विच है ओके, और ये जो इसका जो अर्थिंग पॉइंट है ओके, यानी कि ये जो हमारा अर्थिंग पॉइंट है और अर्थिंग पॉइंट में और ये बोर्ड में किस तरह कनेक्शन हुआ था, ये जो स्विच यानी कि ये जो सॉकेट है, सॉकेट इस तरह ये स्विच के साथ कनेक्शन हुआ था और इसका जो पावर सप्लाई मैंने दिया था और ये फेज हो गया और ये फेज को लेके ये सॉकेट में मैंने इस तरह लगा दिया था। और यहाँ पर और एक जो न्यूट्रल है यानी कि ये जो न्यूट्रल मैं इसके साथ ये सॉकेट में इसमें इसी तरह लगा दिया था, इसमें जो दो तार थी दो तार को इसी तरह लगा दिया था और इसका जो एक जो यानी कि इसका जो अर्थिंग जो तार है अर्थिंग तार इसके साथ यानी कि ट्विस्टिंग हुआ था, इसके साथ इसी तरह ट्विस्टिंग होके गया था, यानी कि इसका जो तार इसमें मैंने कनेक्शन नहीं की थी ओके। और इसका जो प्रॉब्लम यानी कि यहाँ पर फेज की सप्लाई कैसे आ रही थी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जो कॉट के बारे में दिखाया था यानी कि ये जो इंसुलेशन होता है यानी कि ये जो तार का इंसुलेशन होता है और ये जो तार का इंसुलेशन इसी तरह कॉट हुई थी ओके, और तार में यानी कि ये इंसुलेटेड तार में और अगर ये साइड अगर इसमें कटी हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो कि कटा हुआ तार मैं आपको दिखाया था यानी कि छिल गया था, और इसी तरह इसका ऊपर और एक तार कटा हुआ तार इसका ऊपर ट्विस्ट करता है, यानी कि अगर ये अगर फेज होता है और उसी फेज के ऊपर अगर ये जो हमारा जो है यानी कि ये जो अर्थ का तार जो अगर ट्विस्ट होता है यानी कि कटा हुआ अर्थ तार इसमें ट्विस्ट होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फेज सप्लाई इसमें आ जाएगी ओके। और या फिर इंसुलेशन अगर इसमें बहुत ज़्यादा कम होगा तो इसी तरह आपको इसमें फेज सप्लाई भी दिखाएगा ओके, जो कि ये बोर्ड में इसी तरह प्रॉब्लम हुआ था यानी कि बोर्ड का तार मैंने काट दिया था, काटने के बाद इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ओके। और इसका जो दूसरा मेथड जो है हमारा जो घर की अप्लायंसेस जो होता है यानी कि घर की जो उपकरण होती है, और ये अगर सपोज ये इसका जो है पावर लोड है ओके, यानी कि हैवी यानी कि ये फ्रिज है ओके, और फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में फ्रेंड्स इसका जो एक न्यूट्रल यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेज इसके साथ कनेक्शन की जाती है ओके। और सपोज ये जो फेज का तार अगर लूज होता है, लूज होके अगर ये तार अगर बॉडी में टच होता है तो हमारा ये जो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो अर्थिंग का तार कहाँ से टच किया जाता है, अर्थिंग का तार जो कनेक्शन होता है ये बॉडी के साथ कनेक्शन होता है, और ये फेज अगर फेज का तार अगर लूज होके अगर ये बॉडी के साथ कनेक्शन होता है तो इसमें क्या होगा, और ये बॉडी के साथ टच होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट यानी कि लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ओके। और ये क्या करेगा, ये जो अर्थ के तार में आपको दिखाएगा यानी कि इसमें जो फेज ये अर्थ के तार में आ जाएगा और अर्थ के तार में आपको फेज दिखाएगा, अगर इस कंडीशन में दिखाएगा, अगर ये जो आपका जो घर की जो अर्थिंग जो है अगर ये प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुआ होगा या फिर आपका जो पुराना घर होता है उसमें क्या होता है अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी कारण से ये जो ग्राउंड कर नहीं पाता है, उसी कारण से ये जो हमारा जो अर्थिंग की पिन है जो कि अर्थिंग की जो सॉकेट है अगर यहाँ पर आप टेस्टर लगाओगे तो आपका जो टेस्टर ये ग्लो करेगा, अगर ये जो अर्थिंग पिन जो है यानी कि ये जो अर्थिंग की जो अगर सॉकेट है अगर ये प्रॉपर अर्थिंग होगा तो और ये जो फेज तार है फेज तार अगर जाके बॉडी के साथ अगर टच होगा तो ये फिर क्या करेगा, ये जितने सारा यानी कि ये जो हमारा घर के उपकरण में जितना सारा करंट इसमें फ्लो होगा और ये सीधा ग्राउंड कर देगा, अगर यहाँ पर अगर फिर भी आप टेस्टर लगाओगे तो आपका जो टेस्टर ये यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जितना लीकेज करंट ये डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा अगर ये आपका जो अर्थिंग अगर इसमें अगर प्रॉपर होगा तो, और इसी कारण से आपका जो टेस्टर यहाँ पर ग्लो करता है और इसी कारण से आपका जो टेस्टर यहाँ पर ग्लो नहीं करता है। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।